पिछले लेक्चर में भी हमने आईपीएस नेमिंग और कॉमन नेमिंग कंपाउंड की स्टडी की थी। तो देखो अपने पास कौन कौन से कंपाउंड आते हैं जिनकी नेमिंग हमें यहाँ पे करनी है। तो पहला कंपाउंड देखो CH3 ऑक्सीजन, CHOCH3, CH2CH2CH3, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इन कंपाउंड के हमने यहाँ पे नंबर के लिए सर फोन करना है। तो पहला जो कंपाउंड है पहले हम यहाँ पे आईपीएस नेमिंग देख लेते हैं। आईपीएस नेमिंग देख लेते कॉमन नेम तो क्या दिखाओगे यहाँ पे। तो देखो पहले कंपाउंड की जो आईपीएस नेमिंग होगी वो क्या होगी, रूल अप्लाई कर लेते हैं। जो आईपीएस नेम के जो रूल है वो अप्लाई करो। पहला रूल क्या कहते हैं, सेलेक्टेड लोन कार्बन चेन। तो सबसे पहले जो अपने अपना जो कंपाउंड दे रखे हैं उसमें लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन, तो ध्यान देना CH CH2 CH2 CH3, चार कार्बन की चेन है और ये जो पहला कार्बन होगा उसके साथ दो मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है, सही है। तो जो अपनी लॉन्ग कार्बन चेन होगी वो चार कार्बन की होती है, दिस इज लॉन्ग कार्बन चेन। मतलब दिस इज क्या होगी, पैरेंट चेन, दिस इज पैरेंट चेन, ओके। ये तो पैरेंट चेन होगी और ये जो अपना मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3 ये किस में आते हैं, साइड चेन में आते हैं, ओके। तो जो अपनी पैरेंट चेन है वो चार कार्बन की है और जो पैरेंट चेन का जो फर्स्ट कार्बन होगा वो दो मिथॉक्सी ग्रुप से कनेक्ट है, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट साइड से क्यों करेंगे, क्योंकि जो पहला कार्बन होगा उसके साथ दो मिथॉक्सी ग्रुप कनेक्ट है। ये जो अपना एल्कोक्सी ग्रुप है इसको लेस नंबर मिलना चाहिए, तो जिस वजह से क्या होगा कि हम कार्बन चेन की जो नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड के अंदर वो हमेशा लेफ्ट साइड से करते हैं। तो करो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि जो अपना पहला कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन से दो मिथॉक्सी ग्रुप डायरेक्ट कनेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है मतलब जो साइड चेन में आ रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करो। कौन से कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप कनेक्ट है, फर्स्ट पे, तो यहाँ पे लिखो 1, 1 दो है ना, तो यहाँ पे लिखो 1, 1, 1, ठीक है। दो ग्रुप थे तो 1 लिख दिया, दो ग्रुप दोनों सेम है तो क्या करते हैं डाई। कौन सा ग्रुप कनेक्ट है भाई, OCH3, OCH3 मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है। तो क्या लिखोगे, 1, 1, -डाई-मिथॉक्सी, यहाँ पे भी अपना मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, साइड से में जितने भी ग्रुप थे हमने वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके। अब बात कर लेते हैं पेरेंट चेन की। तो पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने, चार। तो चार कार्बन की चेन है तो क्या करोगे, ब्यूट वर्ड ग्रुप यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्यूट, दिस इज ब्यूट, और सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मींस इट इज एल्केन। तो क्या लगा दो, एमी। तो कंपाउंड क्या बन गया, 1, 1 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन, ओके। तो कंपाउंड का नाम क्या है, 1, 1, दोनों सेम है तो डाई लगा दो और दिस इज मिथॉक्सी और दिस इज ब्यूटेन। तो 1, 1 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये अपना पहला कंपाउंड है। चलो सेकेंड कंपाउंड की बात करें, तो सेकेंड कंपाउंड पहले आ चुका, यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल नेम यहाँ पे इस कंपाउंड का डिस्कस करने हैं जब यहाँ पे लेके चले हैं। तो सबसे पहले तो इस कंपाउंड की जो आईपीसी नेमिंग है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमन नेम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट एज पेरेंट चेन, जो बेंजीन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड है और जबकि ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये साइड चेन में आ गया। ये इथॉक्सी, ये बेंजीन, बेंजीन तो किस में आ गया, मेन चेन में आ गया, और भाई इथॉक्सी ग्रुप वो साइड चेन में आते हैं। पहले साइड चेन को लेकर चलोगे तो क्या आएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी हो गया किसे कनेक्ट है, बेंजीन से। तो कंपाउंड का नाम क्या है, इथॉक्सी बेंजीन, ओके। तो कंपाउंड का इसमें क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। चलो कॉमन नेम की बात करें तो
तो सिंपल कॉमन नेम क्या होगा वो देख लेते हैं। ये अपना था इधर ऑक्सीजन, ये जो अपना इधर ऑक्सीजन होगा वो एक तो बेंजीन से कनेक्ट है और दूसरा किसे कनेक्ट है, इथाइल ग्रुप। ये अपना इथर ऑक्सीजन हो गया, इथर ऑक्सीजन दो ग्रुप से कनेक्ट है, ये अपना इथाइल ग्रुप है और ये अपना फिनाइल है। पीछे बताया भी था अगर बेंजीन को साइड चेन लेके चल रहे हो तो फिनाइल होते हैं, ठीक है। तो ये अपना फिनाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप। तो अल्फाबेट में ई पहले आते हैं, पी बाद में आते हैं, तो ई को लिखो पहले, मतलब इथाइल पे आते हैं। तो क्या आगे दिस इज इथाइल, दिस इज फिनाइल और वही इथर। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथाइल फिनाइल इथर, दिस इज द सिंपल कॉमन नेम। ओके चलो अब आप कर लेते कॉमन मतलब स्पेशल कॉमन नेम, कुछ स्पेशल कॉमन नेम है वो देख लेते क्या होगा। हाँ देखो ये जो ना इथाइल फिनाइल इथर, इसका जो स्पेशल कॉमन नेम है वो है पेनिथ्रोल, ठीक है। पेनिथ्रोल कराते हैं तो स्पेशल नेम है, नेम है ध्यान से देखना। अगर मान लो जे राइट डाउन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिथ्रोल तो क्या होगा, बेंजीन कनेक्ट विद ऑक्सीजन कनेक्ट विद CH2CH2। तो स्पेशल नाम स्पेशल नेम क्या इस कंपाउंड का, पेनिथ्रोल, ठीक है। चलो ये कुछ कंपाउंड थे सिंपल। अब अपने पास एक नोट आते हैं, उस नोट को पहले पढ़ लेते हैं फिर उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड आएंगे। तो ये जो अपना नोट है वो हमें ये बताता है कि मान लो अपने पास एक इथर कंपाउंड है, अगर इथर कंपाउंड में एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा अगर कोई भी अदर ग्रुप कनेक्ट है, क्या बताया, मान लो अपने पास एक इथर कंपाउंड है, इथर कंपाउंड में एल्कोक्सी ग्रुप तो होगा, इथर तुसी जिस बात है एल्कोक्सी ग्रुप तो होगा, एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा अगर कोई भी अदर ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो जो अपना अदर कंपाउंड होगा, अदर फंक्शनल ग्रुप होगा, एक्ट एज प्रिंसिपल ग्रुप, ठीक है। जो अपना इथर कंपाउंड हम जो लेके चल रहे हैं उसमें एल्कोक्सी ग्रुप तो होगा, एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा अगर कोई अदर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, अदर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस अदर फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल ग्रुप की फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो अदर फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, एक्ट एज प्रिंसिपल ग्रुप, और इस प्रिंसिपल ग्रुप को हमेशा हम लेस नंबर देंगे एज कंपेरिजन टू एल्कोक्सी ग्रुप, समझा। हमें ऐसे इथर कंपाउंड को यहाँ पे स्टडी करना है जिसमें एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उस ग्रुप को हम प्रिंसिपल ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे लेके चलेंगे, मतलब उसको मेन ग्रुप की फॉर्म में लेके चलोगे। तो ये जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप है उसको हमने प्रिंसिपल ग्रुप की फॉर्म में ले लिया, और इस प्रिंसिपल ग्रुप को हमेशा लेस नंबर प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू एल्कोक्सी। ओके समझा गए। तो प्रीफ्रेंस हमेशा हम जो अदर फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप प्रिंसिपल ग्रुप कह रहे हो उसको दोगे, फिर उसके बाद एल्कोक्सी ग्रुप को हम नंबर देंगे, ठीक है। ये हम इस नोट में पढ़ेंगे। तो देखो वही नोट यहाँ पे लिख रखे हैं, इफ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द इथर कंपाउंड देन अदर फंक्शनल ग्रुप गेट एज प्रिंसिपल ग्रुप, ठीक है। जो अपना इथर कंपाउंड है उस इथर कंपाउंड में एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा अपना कोई अदर ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो लेके चल रहे हो वो हमेशा प्रिंसिपल ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब मेन ग्रुप की फॉर्म में उसको इंक्लूड किया जाएगा। जब उस कंपाउंड की नेमिंग करो तो पहले नंबर करना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, तो जब नंबर दो तो लेस नंबर हमेशा अदर फंक्शनल ग्रुप को देना पड़ेगा, ठीक है। जब नंबरिंग करो तो नंबरिंग में जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं एल्कोक्सी के अलावा उसको हमेशा लेस नंबर प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। प्रीफ्रेंस अदर फंक्शनल ग्रुप को देते हैं एज कंपेरिजन टू एल्कोक्सी, वही यहाँ पर लिख दिया। देन अदर फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज प्रिंसिपल ग्रुप सच दैट द प्रिंसिपल ग्रुप गेट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स इट गेट लेस नंबर। जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप प्रिंसिपल ग्रुप कह रहे हो वो हमेशा लेस नंबर ऑब्टेन करेगा एज कंपेरिजन टू एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे नोट की फॉर्म में पढ़ा, समझ में आ गया होगा नोट क्या कह रहे हैं, कि जो भी इथर कंपाउंड आप लेके चल रहे हो वो इस टाइप से लेके चलना, ठीक है।
कि एल्कोक्सेन ग्रुप के अलावा उस कंपाउंड में कुछ अदर ग्रुप प्रजेंट हो, तो यहाँ पे जो अदर ग्रुप कंपाउंड के अंदर प्रजेंट है वो हमेशा प्रिंसिपल ग्रुप की फॉर्म में आप लेके चलोगे। तो जब आप कंपाउंड की नंबरिंग करो तो ये जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब ये जो अपना प्रिंसिपल ग्रुप होगा, ये हमेशा लेस नंबर को ऑब्टेन करेगा, मतलब प्रीफ्रेंस हमेशा किसको दोगे, प्रिंसिपल ग्रुप, या कहे तो जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप है उसको लेस नंबर देते हैं एज कम्पेयर टू एल्कोक्सेन। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से हम इस स्टेटमेंट को इजीली समझ सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक कंपाउंड है CH3CH2H, CH2CH OCH3CH3। इस कंपाउंड में दो ग्रुप है, ध्यान देना, इस कंपाउंड में दो ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है। कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब दिस इज मीथॉक्सी और दिस इज हाइड्रोक्सी। इस कंपाउंड में दो ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और भाई जो अपना एल्कोक्सी ग्रुप है वो कौन से, मीथॉक्सी। अभी जो स्टेटमेंट पढ़ी थी वो यहाँ पे अप्लाई कर दी, क्या बताया कि स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आप इथर कंपाउंड लोगे उस इथर कंपाउंड में एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा कोई अदर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उस अदर ग्रुप को आप मेन ग्रुप की फॉर्म में लेके चलोगे और जो आप कंपाउंड की नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में जो अपना अदर ग्रुप है जिसको आप प्रिंसिपल ग्रुप कह रहे हो वो हमेशा लेस नंबर को ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोक्सी हो गया, उसके अलावा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है अपने पास, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अपना जो प्रिंसिपल ग्रुप है वो कौन से, हाइड्रोक्सी, और सिंपल ग्रुप कौन से, एल्कोक्सी। समझ में आ गया, प्रिंसिपल ग्रुप को आप हाइड्रोक्सी फॉर्म में लेके चलोगे और सिंपल ग्रुप कौन सा होगा, एल्कोक्सी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ओके, आप जब कंपाउंड की नंबरिंग करो तो भाई नंबरिंग किस टाइप से करोगे कि जो अपना अदर ग्रुप है, मतलब अदर ग्रुप यहाँ पर कौन से, हाइड्रोक्सी, इसको हमेशा लेस नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम लेस नंबर देंगे और एल्कोक्सी को लार्ज। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इस कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सेलेक्ट लोन कार्बन चेन, तो लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन की चेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज द पेरेंट चेन, ये क्या करती है भाई, पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन होगी। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करोगे, लेफ्ट से या राइट से, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अपना अदर ग्रुप है, अदर फंक्शनल ग्रुप है, उसको लेस नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को हमेशा लेस नंबर दोगे। तो नंबरिंग करो लेफ्ट से, 1 2 3 4 5, समझ आ गया, हाइड्रोक्सी हो गया प्रिंसिपल ग्रुप, मेन ग्रुप है, इसको एक्ट एज सफिक्स, सफिक्स लेके चलोगे, और जो अपना एल्कोक्सी है उसको आप सिंपल ग्रुप की फॉर्म में लेके चलोगे एक्ट एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो गया एल्कोक्सी और भाई हाइड्रोक्सी क्या हो गया, सफिक्स। तो ध्यान देना, जो अपना हाइड्रोक्सी है वो क्या है, सफिक्स है ना, मतलब पीछे लगते हैं, और पीछे में से किसको मिलेगा, वो एल्कोहल हो गया, एल्कोहल कंपाउंड बन गया, तो एल्कोहल कंपाउंड है तो आने में क्या लगा दोगे, ओएल। ओके, समझ है, ये अपना मेन ग्रुप है तो एक्ट एज प्रिंसिपल ग्रुप, मतलब एक्ट एज सफिक्स, इसको सफिक्स की फॉर्म में लेके चलोगे, आप सफिक्स हैं तो ये पूरा कंपाउंड एल्कोहल बन जाता है, तो भाई क्या करोगे, एक्ट एज एल्कोहल, तो लास्ट में क्या लगा दोगे, ओएल। जबकि जो अपना एल्कोक्सी है एक्ट एज प्रीफिक्स, मीथॉक्सी फॉर्म में लेके चलोगे। ठीक है, जब भाई सबसे पहले हम साइड चेन ग्रुप को लेके चलते हैं, तो साइड चेन ग्रुप में मीथॉक्सी ग्रुप पर चेक है, अब मीथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन पे कनेक्ट है, फोर्थ में, यहाँ पे फोर्थ। हम बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नेम, हम बात की आईयूपीएसी नेम कर रहे हैं, तो आईयूपीएसी नेम क्या होता है कंपाउंड का, देखो भाई फोर पे ना, तो यहाँ पे फोर कौन सा ग्रुप कनेक्ट है, मीथॉक्सी, तो ये आ गया फोर मीथॉक्सी, सही है, और मीथॉक्सी हो गया। फिर उसके बाद
टोटल कार्बन देखो पेरेंट चेन में, तो पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने, पांच। तो पांच के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करोगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और भाई कौन सा फंक्शन तुम ऊपर देखते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ओवेन। ठीक, अब ध्यान दो कि जो ना OH है वो कौन से कार्बन पे कनेक्ट है, सेकंड पे। तो यहां पर वो और एल्कोहल का कार्बन है तो ओवेन, तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 4-methoxy pentane 2-ol। ठीक है, दिस इज द IUPAC नेम। तो समझ में आ गया होगा, ये जो नेम नोट पढ़ाए इसको हमने एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो भाई दूसरा एग्जांपल क्या है, CH3 ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर दो ग्रुप इस कंपाउंड में दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो अपना एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इस कंपाउंड में दो ग्रुप्स अपने पास प्रेजेंट है, एक तो एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा भाई अल्कीन डबल बॉन्ड आ रहे ना, तो अल्कीन बॉन्ड यहाँ पे अल्कीन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपना एल्कोक्सी और ये अदर फंक्शनल ग्रुप है, ये अदर फंक्शनल ग्रुप है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। तो सेलेक्ट ए लोन कार्बन चेन, तो लंबी कार्बन चेन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो ना अदर फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कीन। तो अल्कीन को आप प्रिंसिपल ग्रुप की फॉर्म में लेके चलोगे, और भाई जब नंबरिंग करो तो नंबरिंग में जो अपना अदर फंक्शनल ग्रुप आए उसको नेक्स्ट नंबर दो। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करो भाई, दो कार्बन की चेन है, जो पेरेंट चेन है उसमें दो कार्बन है, तो भाई नंबरिंग कर दो लेफ्ट से पार और, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से क्या कनेक्ट है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो इस वजह से क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, तो क्या आ गया, 1-2। ठीक है, तो पेरेंट चेन दो कार्बन की है और उसके अलावा एक अपना एल्कोक्सी ग्रुप साइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करो, जो अपना एल्कोक्सी ग्रुप है उसको ले दो। तो एल्कोक्सी ग्रुप पहले कार्बन से कनेक्ट है ना, और एल्कोक्सी कौन सा है, मीथॉक्सी। तो यहाँ पे लिख दो 1-methoxy। ठीक है, 1 पे कनेक्ट है मीथॉक्सी, तो क्या आ गया 1-methoxy। टोटल कार्बन दो हैं पेरेंट चेन में, तो क्या आएगा, दो के लिए एक। डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लगा दो EN, तो क्या क्या आ गया 1-methoxy-ethene। कंपाउंड का नाम क्या है, 1-methoxy-ethene। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 मान लिया जाता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो ध्यान दो। सिंपल जो अपना रूल है वो अप्लाई करो, सेलेक्ट ए लोन कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी, एक्ट एज पेरेंट चेन, ये अपना साइड चेन में आ गया एक्ट एज एल्कोक्सी। अब नंबर कहाँ से करोगे, कि जो ये जो अपना डबल बॉन्ड है उसको लेस नंबर मिलना चाहिए, तो डबल बॉन्ड को लेस नंबर नीचे तो मिलेगा लेफ्ट साइड से, तो 1-2-3-4। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गई, 1 पे कनेक्ट है ना, तो क्या लगा दो 1-methoxy, 1-methoxy। मेन चेन कितने कार्बन की है, 4 की, तो लगा दो 0। डबल बॉन्ड आ रहा है पहले कार्बन पे, तो यहाँ पर लगा 1। डबल बॉन्ड आ रहा है क्या लगा दो DN, तो क्या बन गया 1-methoxy ब्यूट 1-E-ब्यूटीन। तो ये कंपाउंड यहाँ पर आ रहा है। चलो तीसरा और लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं। तो भाई देखो साइक्लोहेक्सीन यहाँ पे प्रेजेंट है, कनेक्ट विद ओ सी एच टू सी एच टू। सेलेक्ट ए लोन कार्बन चेन, ये अपना क्लोज कंपाउंड दे रखे हैं, साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, पर ये जो साइक्लिक चेन है इसमें 6 कार्बन है, 1-2-3-4-5-6। तो यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो जो पेरेंट चेन होगी वो लोन कार्बन की होगी, मतलब जो अपनी साइक्लिक चेन है वो पेरेंट चेन है और जो बाकी है वो साइड चेन है। तो इसको तो देखते रहो आप, पेरेंट चेन, ये होगी पेरेंट चेन और वही साइड चेन एज इथॉक्सी, जब अपना इथॉक्सी हो गया ना एल्कोक्सी। अब देखो भाई एल्कोक्सी तो यहाँ पे प्रेजेंट है, पर साथ साथ एक दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट है, दूसरा ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अल्कीन का डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब कंपाउंड की नंबरिंग करो तो भाई डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिलना चाहिए, बताया था ना कि जो अदर फंक्शनल ग्रुप आए उसको लेस नंबर, तो भाई
यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सही है। तो ये जो हमारा इथॉक्सी ग्रुप है वो साइड चेन बना रहा है, और ये कौन सा ग्रुप से कनेक्ट है, सॉरी कौन से कार्बन से कनेक्ट है, फोर से। ये जो हमारा इथॉक्सी होगा वो फोर कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पे लिख लो फोर इथॉक्सी, ठीक है। ये फोर कार्बन से कनेक्ट है ना, साइड चेन में इथॉक्सी, तो क्या गया फोर इथॉक्सी। चलो साइड चेन का तो हो गया, अब मेन चेन पे आ जाओ। तो जो मेन चेन है वो क्लोज मतलब साइक्लो की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोज फॉर्म है। तो जब क्लोज कंपाउंड आए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लिक, साइक्लो लगाते हैं। तो यहाँ पर लगा दो साइक्लो, साइक्लो लगा दिया। अब कितने कार्बन की चेन मिल रही, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः की ना, तो छः के क्या रखते हैं हेक्स, या क्या हेक्स डैक्स। अब इस चेन में छः कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ रहे हैं पहले और दूसरे कार्बन पे, तो जो डबल बॉन्ड होगा वो फर्स्ट में इंक्लूड होगा, तो क्या आ गया फोर इथॉक्सी साइक्लो हेक्स। और फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लगा दो वन ई एम, तो क्या बन गया भाई फोर इथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन, फोर इथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। ये है तीसरे कंपाउंड का आईओपीएसी, ओके। तो यहाँ पे हमने वो कंपाउंड स्टडी किए जिसमें एल्कोक्सी ग्रुप के अलावा अदर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पहुंचे, ओके। तो ये थी अपनी कुछ नेमिंग, कुछ कंपाउंड की नेमिंग थी, इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और भी कंपाउंड है जिनको आप डिफाइन कर सकते हो, जिनकी आप आईओपीएसी में और नेमिंग दोनों कर सकते हो, तो खुद कर सकते हो, जो सुनना है वो बता देना।